सुल्तान के फर्स्ट टीजर में सिर्फ सलमान नजर आए और अनुष्का गायब थी, जिसे लेकर अनुष्का के फैंस डिसअपॉइंट थे। बट खबरों की माने तो अब जल्द ही अनुष्का का सिंगल टीजर रिलीज किया जाएगा, जिसमें अनुष्का के फाइट सीन भी होंगे। सैफ अली खान ने अपने घर पर मदर इन लॉ बबीता कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस प्राइवेट पार्टी में करिश्मा कपूर और उनकी बुआ रीमा जैन अपने हस्बैंड मनोज जैन के साथ नजर आईं। मुंबई में हुए एक प्रेस मीट में फिल्म बागी के विलन सुधीर बाबू को इंट्रोड्यूस किया गया। ये सुधीर की बॉलीवुड डेब्यू मूवी है। इससे पहले वो साउथ की कई फिल्म्स कर चुके हैं। एक टीवी चैनल पर जल्द ही डांस रियलिटी शो सो यू थिंक यू कैन डांस स्टार्ट होने जा रहा है। मुंबई में इस शो की लॉन्चिंग हुई, जहां शो के जज माधुरी दीक्षित, बॉस्को मार्टिस, टेरेंस लुइस मीडिया से इंटरेक्ट हुए और शो से जुड़ी बातें की। छोटे छोटे गांव में से ऐसे ऐसे डांसर्स इंडिया में हैं, इतना टैलेंट है और वो डिस्कवर होने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक प्रेस्टीजियस कंपनी फाउंडेशन ने मुंबई में इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसे सपोर्ट करने पहुंची लारा दत्ता। बीटल्स कैथेड्रल। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा अब टीवी पर डेब्यू करने जा रही हैं। जल्द ही वो गंगा द सोल ऑफ इंडिया में दिखाई देंगी, जिसकी लॉन्चिंग पर वो काफी एक्साइटेड दिखी। मुंबई में रणदीप हुड्डा एंड अक्षय ओबेरॉय स्टारर फिल्म लाल रंग की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां कई बॉलीवुड सेलेब्स नजर आए। बॉलीवुड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग दैनिक भास्कर .com।